शब्दों का प्रयोग संजय जायसवाल जी ने किया खोखा, और इस तरह का शब्द, इस तरह का प्रयोग आप भी बताइए। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कम फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। संजय जायसवाल जी को ये सपने में भी पता नहीं चल पाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे फ्यूचर में, या हम अकेले चलेंगे। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो हम उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे। संजय जायसवाल जी को रत्ती भर इसकी जानकारी नहीं है। आज सुबह सुबह जो जिस तरह का फेसबुक पे डॉक्टर संजय अग्रवाल ने, जायसवाल ने जो टिप्पणी की और जो कहा, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संजय जायसवाल जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग संजय जायसवाल जी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से सुनना आश्चर्यजनक है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कम फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। पिछला जो अभी का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जो स्थिति उनकी रही, और जिस ढंग से सिर्फ एक सीट और उसमें भी जो गैप था वो इतना कम था, उसने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि विकासशील इंसान पार्टी का क्या मतलब है और उन्होंने क्या गलती की पिछले दिनों। हमारा साथ उनसे से छूटा और आज भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट के लिए तरस रही है। मैं संजय जायसवाल जी को ये कहना चाहूँगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी जहाँ भी जिस भी सभा को संबोधित करते हैं उसमें उमड़ा जनसैलाब ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता कैसी है। और ये एक साजिश के तहत एक ऐसे समाज से, अति पिछड़ा समाज से सबसे ज़्यादा तेजी से उभरते हुए नेता को कैसे उनके रास्ते पे रोड़ा अटकाया जा रहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी इसका विरोध करता है और संजय जायसवाल जी को ये चेतावनी देता है कि आगे से इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। मुकेश सहनी यहाँ समाज सेवा के लिए आए हैं, सभी पूरे बिहार को पता है, भारत को पता है कि मुकेश सहनी ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर यहाँ गरीबों के विकास के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं। जिस ढंग से विकासशील इंसान पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी तेजी से बढ़ी है, वो एक आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। आप बता दें कि कोई भी पार्टी इतने कम समय पर इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए और उसके बाद इस तरह से चिढ़ना, ये बिल्कुल गलत है। एक बात और बताना चाहूँगा कि संजय जायसवाल जी को ये सपने में भी पता नहीं चल पाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे फ्यूचर में, या हम अकेले चलेंगे। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो हम उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे। संजय जायसवाल जी को रत्ती भर इसकी जानकारी नहीं है कि किससे बात हुई मुकेश सहनी जी की और कब ये तय हुआ कि 11 सीटें हमें दी जाएंगी। और ये भी बताना चाहूँगा कि संजय जायसवाल जी, उनकी अपनी पहचान क्या है वो देखें। मुकेश सहनी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उनके जैसा मजबूत और कद्दावर नेता बिहार में बहुत कम है। और वो अकेले अपने पार्टी को चला रहे हैं और उनके पीछे जनसैलाब है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार का कोई भी एक नेता बता दे कि किसके पीछे, किस व्यक्ति के तौर पे किसके पीछे जनसैलाब करा है, कोई तुलना नहीं है। कह दिया है कि 16 तारीख को हमारे तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। जी ऐसा अभी ये चीज़ें जो हैं, ये किसके साथ बात हो रही है, क्या हो रहा है, आगे हम क्या करेंगे, वो नेतृत्व हमारा डिसाइड करेगा। और लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कुढ़नी में हम बहुत ज़ोरदार ढंग से चुनाव लड़ेंगे। और इस स्टेटमेंट का फिर जो जैसे शब्दों का प्रयोग संजय जायसवाल जी ने किया खोखा, और
इस तरह का शब्द, इस तरह का प्रयोग आप भी बताइए कि एक राजनेता के मुंह से शोभा देता है क्या? बिल्कुल नहीं देता।